माता दी, और आप सब बोलो जय माता दी। और पहली चीज तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले मैं आई थी, सुशांत जी ने बुलाया था, हमें इनवाइट किया हुआ था गणपति पे। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आई हूँ आज माता जी की चौकी और ये सारे उसमें, तो अच्छा लगा। मैं हमेशा जहाँ पे भी पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पे भगवान का होता है ये सारा कुछ, तो ज़रूर जाना चाहिए और मैं हमेशा आऊँगी। तो देश के लिए आपने क्या कुछ मांगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, देश के लिए आपने क्या कुछ मांगा है? देश के लिए, हाँ। पहले मैं जब अच्छी रहूँगी तभी सबके लिए मांग पाऊँगी ना, अगर मैं ही नहीं अच्छी रहूँगी तो देश के लिए कैसे मांगूँगी। तो मैं, आप सब और सारा देश, सारा कुछ अच्छा हो और हर दिन हम सबके लिए अच्छा हो, पूरी दुनिया अच्छी हो, सब लोग खुश रहो, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, हर कोई खुश रहे। और देवी माता हम सबके ऊपर कृपा बनाए रहें ताकि हम लोग अच्छा अच्छा काम करें, अच्छी अच्छा वर्क करें, अच्छा शूट करें। और जैसे ये सर है, इन्होंने अभी एक हमें शॉर्ट फिल्म पे लिया है जो कि रिलीज भी हो चुकी है। बता दीजिए सर कुछ। सर क्या कुछ कहेंगे सर, आप यहाँ पे आए हो आज? सबसे पहले तो यहाँ जो सुपुरवाड़ी माता जी के मंदिर में हम लोग आए हैं गरबा पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं यहाँ आता रहता हूँ मंदिर में, तो मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगा है। और जो यहाँ ये लोग व्यवस्था करते हैं, जो दिल से करते हैं, वो यहाँ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और यहाँ भंडारा भी करते हैं मुझे मालूम है, तो उसमें भी यहाँ काफ़ी लोग भंडारे में प्रसाद खाते हैं। तो माता रानी सब पे कृपा बनाए रखती है, इन पे भी, और साथ साथ में पूरे देश पे और हम सभी देशवासियों पे भी आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, और सभी लोग खुश रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ कि माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रखे। आराधना के साथ साथ में कितना इंजॉय कर रही हैं इस बार ये गरबा को? ये मेरा फर्स्ट गरबा है जो कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ, और अभी खेलूँगी भी, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया होना चाहिए लाइफ में। तो ये मेरा फर्स्ट, मतलब यहाँ पे तो फर्स्ट है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खेलूँगी, और आप अभी देखोगे, अगर रहोगे तो देखोगे भी। गरबा में बच्चों ने खेला कभी, एंजॉय किया? बच्चों के साथ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं बच्चों के साथ ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। बचपन में कभी खेला? बचपन में, अभी तो मैं बच्ची ही हूँ। नहीं, हाँ, मैं बचपन से खेलती आई हूँ। बचपन में तो इतना ज़्यादा नहीं था जो कि आज जितना हम लोग खेलते हैं, गरबा वगैरह का ट्रेंड है वो सब उतना तब नहीं था, लेकिन अब है, अभी मुझ में बचपना है और बचपना ला के खेलूँगी गरबा। सरकार ने 10 बजे का टाइम रखा है, हाँ। कि 12 बजे खो जाए, ताकि लास्ट के 5 दिन होंगे, हाँ। लेकिन 10 बजे खो जाते, 12 बजे खो जाए। गवर्नमेंट ने इसलिए ये रखा हुआ है ताकि आप लोग थोड़ा जो भी है सबको अपने अपने कैमरे में कैद कर पाओ, और उसके अलावा घर जाके आराम से रेस्ट भी कर पाओ, तो इसलिए सही टाइम रखा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको अगर मालूम है कि यहाँ पे मेरे दोस्त ने या हमारे जो क्लोज ब्रांड है उन लोगों ने रखा हुआ है, तो आपको अपने आप जाना चाहिए। और कहाँ कहाँ जाने वाली हो आप? और जहाँ भी जाऊँगी, भगवान तो एक ही है ना, अब एक दर्शन करूँ या 10 जगह करूँ उतना ही है, बट देखते हैं आगे क्या करते हैं। माता जी का हमारा मतलब साल में एक ही बार निकल रहा है, हाँ। हमारा पंचतत्व का मूर्ति है, मतलब मन्नत का है, नवस का है पूरा, तो साल में एक ही बार निकलता है, तो इसका पूरा जितना हमारे से सेवा होता है हम उतना करते हैं, हमारे 8 मास से पूरा साल में एक ही बार नवरात्र में निकलता है पूरा माता जी, बस बाकी पूरा उसके अंदर लॉकअप में बंद रहता है, मतलब तिजोरी में भैया रहता है, पूजा पूरा बाहर निकल के अभिषेक करा दे, जागृत करते हैं उनको, फिर वहाँ पे उनके प्राण प्रतिष्ठा करके उनको बिठा देते हैं। अब तक कौन कौन आ चुका है? अभी तो सनी वाक्चोरे आ चुके हैं, बाद में रजिस्ट्रार है जयेश बांदल, वो अभी जस्ट आके गया, 10 मिनट हुआ, अभी मैडम तो आई हो अभी जस्ट, अभी हिंदुस्तानी भाऊ आने वाले हैं, जैसे मराठी सिनेमा एक्टर है अरुण नलावड़े, वो भी आने वाले हैं यहाँ पे दर्शन करने, और नहीं वो आके चले गए, और मराठी प्रसाद खांडेकर वो भी आने वाले हैं, हास्य चतुर वो भी आने वाले हैं दर्शन के लिए। बट ये सारी जगन्नाथ जो है वो ये इतने प्यार से सबको इनवाइट करते हैं, आप लोग को भी किया होगा तो ही आ पाए ना, है ना?
अभी माँ का हुक्म है तभी तुम लोग आए। हाँ, और अगर आपको नहीं बुलाया जाएगा, सब कुछ तो इनके ऊपर होता है, किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है वो सारे इनके ऊपर रहते हैं, हम तो जरिया होते हैं, तो हमें भी बुलाया है इनके थ्रू, बुलाया हमें माता जी। तो थैंक यू, जय माता दी, आप सब लोग खुश रहिए और जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता।